मैं हूं सानिया इदरीसी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई गोवा हाईवे पर विस्फोटक सामग्री मिलने से हड़कंप मच गया है। अभी एक दिन पहले ही मुंबई में आतंकी हमले का अलर्ट जारी हुआ था, इसके बाद से सुरक्षा एजेंसी अलर्ट हो गई है। इस दौरान मुंबई से सटे रायगढ़ जिले में नदी के पास विस्फोटक मिलने से सनसनी फैल गई है। मौके पर रायगढ़ SP सहित लोकल क्राइम ब्रांच, बॉम्बे डॉग स्क्वाड और मुंबई ATS की टीम जाँच में जुटी है। मुंबई ATS प्राथमिक जाँच में इसे आतंकी साजिश मानकर चल रही है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। आपको बता दें कि इस विस्फोटक को नदी के अंदर से बरामद किया गया। पुलिस और ATS विभिन्न एंगल से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ATS के अनुसार विस्फोटकों को केबल से कनेक्ट किया गया था। अब इस विस्फोटक को लाकर नदी में फेंका गया है या ये कहीं से बहकर आया है, इसकी जांच जारी है।